सो हे व्हाट्स अप गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक नो सिग्नल आ रहा है। टीवी, एलसीडी, एलईडी जो भी बोलते हो आप लोग, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे, इसका जो स्क्रीन है वो यहाँ से नो सिग्नल आ रहा है तो हट गया। आप इसमें चाहें तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी चला सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका एक जिसका वो लगा हुआ है इसके अंदर देख सकते हैं बॉक्स, तो आप लोग उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे पास एक रिमोट है। रिमोट काफ़ी तरीके के आते हैं जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन आप लोगों को सर्च क्या करना, इसमें बटन कौन सा दबाना जो कि आप लोग इसका नो सिग्नल हटा दें। तो देख सकते हैं ज़्यादातर जो बटन होते हैं हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा। सिंपल से आप लोगों को सिर्फ इसमें मेन्यू लेकर आने, जो कि आपके सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ की USB केबल सारी चीज़ों को बताने के। तो आप लोगों को देखिए सिंपल से इसमें जो हमारे पास जो रिमोट है इसमें यहाँ से आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो देख सकते हैं ये सारा इसके अंदर जो सिस्टम है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब वगैरह आप लोग कुछ भी चलाएंगे तो डायरेक्टली चल जाएगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो है नो सिग्नल की है। तो देख सकते हैं HDMI 1, ठीक है, इस पर जो है नो सिग्नल आ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें डायरेक्टली, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपका टाइम खराब नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं मैं इसको यहाँ से ऊपर की साइड में करता हूँ, ठीक है। इससे आप लोगों को ऊपर की साइड में करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं AB 2 पे पहुँच गया है, AB 1 पे पहुँच गया। अब ATB पे भी क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे, और AV 2 पे भी, और HMID ये जो है इस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे AB डायरेक्ट में यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको ओके, ठीक है। तो ये ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जो TV का स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो हे गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। सो हमें नेक्स्ट वीडियो में अगले फीचर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।